हम नहीं तीर और तलवार से मरने वाले, कत्ल करना है तो बस एक तिरछी नजर काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी दावत रमज़ान जो है एकदम ग्रैंड और बूम पे है माशाल्लाह से। हर किसी के ज़बान पे दावत रमज़ान का नाम है, तो आपको कैसा दिख रहा है और पब्लिक के लिए और कैसा एक्सप्लोर होते रहेंगे? बहुत अच्छा दिखा मेरे को कि अनम का प्लान था एक्चुअली, लाइक यू नो एक लास्ट ईयर लाइक यू नो बैठे बैठे ऐसी प्लान कर रहे थे कि चलो भाई कुछ एक एग्जीबिशन करेंगे जहाँ पे लाइक यू नो लाइक जितने भी स्मॉल वेंडर्स जो है लाइक यू नो एक लेबल बाजार करते हैं जहाँ पे लाइक यू नो पूरे आते जो पूरे इंडिया से जो डिज़ाइनर्स है वो लोग आते, बट अपने लिए लाइक यू नो अपने हैदराबाद के लोगों के लिए जो लोकल वेंडर्स है लोग के लिए क्या है, हम लोगों को कुछ करने का था कि जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे लोग आके लाइक यू नो अपने चीज़ें डिस्प्ले कर सकते, तो इसी की वजह से हम लोग ये दावत रमज़ान का एक प्लान आया था और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। लास्ट ईयर कर रहे थे, अच्छा गया, बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो उसी से हम लोग को अब ये साल करने की हिम्मत हुई। बट ये साल भी बहुत अच्छा है, लाइक यू नो 170 स्टॉल्स हैं यहाँ पे और लास्ट टाइम से इंटू थ्री ऑलमोस्ट लाइक 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, तो सब लोग को पसंद आया। सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लास्ट टाइम आके लाइक दावत रमज़ान को इतना सक्सेस करे, और इंशाल्लाह ये साल भी वही उम्मीद करता हूँ कि आप सेम वैसी आए यहाँ पर आके एंजॉय करें। तो क्या बोलना चाहेंगे आप हमारे वीडियोस के बारे में? बहुत ज़बरदस्त से बोलना चाहूँगा मैं आपके रील्स, बहुत एंजॉय करता हूँ मैं आपके रील्स, ऐसी रील्स बनाते रहिए और हमारे को एंटरटेन करते रहिए आप। थैंक यू। और हमारा एक नया वीडियो आया है अज्जू अलमारी जी, वो भी एक कैरेक्टर हम लोग कर रहे हैं, शायद आप देखे। बिल्कुल देखा, पहले नूर भाई फेवरेट थे, अज्जू अलमारी भी फेवरेट हो गया मेरा। थैंक यू। तो अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं मिर्ज़ा साहब, मैं चाहूँगा कि सर से हम कुछ बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, अभी हाल ही में आप उमरा से वापस आए हैं, अल्लाह जो है आपको कबूल करे और हमारे लिए भी इंशाल्लाह दुआ करिए कि जल्द से जल्द हमको भी नसीब करे। आमीन आमीन, आपके लिए भी दुआ हो चुकी है इंशाल्लाह, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। तो सर आप कैसा, आपको लगता है कि एक जो है आपकी दुख्तर माशाल्लाह से पूरे वर्ल्ड में अपना नाम, अपने मुल्क का नाम माशाल्लाह से इतना रोशन करे हैं सानिया मिर्ज़ा जी माशाल्लाह से, और हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट भी लिए हैं जिसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग जिसमें शिरकत करें, तो आपको उनकी जर्नी कैसी लगी और आप उनको कैसे देखते हैं उनकी जर्नी को? सानिया की जर्नी शुरू हुई थी 30 साल पहले जी, और एक ख्वाब था हमारे लिए भी और फिर उनका भी ख्वाब बन गया, और 30 साल की मेहनत कड़ी मशक्क़त के बाद अल्लाह ने बहुत नवाज़ा है उन्हें, और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की इतने साल में। एज ए फादर आपको कैसा महसूस होता है सर? एज ए फादर ही नहीं, एज ए कोच भी, मैंने कोच भी किया है उन्हें, तो दोनों अलग अलग चीज़ों के अलग तरीके से देखना पड़ता था उन्हें, और वो मुश्किल थी मेरे लिए, आसान काम नहीं था वो, क्योंकि एक फ़ादर की देखने का नज़रिया अलग होता है और एक कोच का अलग होता है। मैंने कोशिश की कि दोनों को जितना हो सकते अलग रखूं, लेकिन हमेशा एक फ़ादर का रोल हमेशा ज़्यादा सिंसेरिटी से अदा किया, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे, और यह बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील होती है कि हमने वो हासिल किया अल्लाह के फजल से। और छोटी अनम के लिए भी उनकी कामयाबी अपनी जगह पर है, क्योंकि वो स्पोर्ट में उनका उतना शौक़ नहीं था, लेकिन उनके अलग टैलेंट्स है जो कि अब दिखा रहे हैं माशाल्लाह। तो दावत रमज़ान के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? वो ये उनका आइडिया था, और ये तो हमने शुरू में ये सोचा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर ये हो सकेगा, लेकिन वो उनकी आइडियाज़ काफ़ी आजकल के ज़माने के हिसाब से बहुत ही आगे हैं, और वो हमेशा इसमें तरक्की करे यही हमारी दुआ रही। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है,
या अनम जी का ये जो स्टॉल लगा है और ये बहुत ही बढ़िया जो एग्जीबिशन चल रहा है यहाँ, बहुत ही बढ़िया है। आप बहुत सारा शॉपिंग कीजिए, बहुत मज़े कीजिए। एंड हैदराबाद आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, बट सच में आप सबका प्यार देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिखाया है। एंड हैप्पी इवनिंग, हैप्पी रमज़ान। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद, हैदराबाद के तरफ से करिश्मा जी के लिए कितना प्यार है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज मैम, हम सभी की रिक्वेस्ट पर एक हैदराबादी डायलॉग आप बोले। एक्चुअली मैं डायलॉग नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं एक कहानी बता देती हूँ कि मेरा जो करियर की जो शुरुआत थी वो यहाँ हैदराबाद से शुरू हुई थी, रामा नायडू फिल्म्स में, जुबली हिल्स में, रामा नायडू स्टूडियो से। तो मेरा जो रिश्ता है हैदराबाद से और हैदराबाद के वासियों से बहुत सालों से है, और मुझे बहुत प्यार है आप सबके लिए। थैंक यू। एक छोटा सा डायलॉग मैं आपके लिए सुनाना चाहूँगा। खादर खान साहब, जो कि हमेशा आपके कई मूवीज में डैडी बने हैं, खादर खान साहब का स्टाइल, उनका एक डायलॉग। थोड़ी देर के लिए आप लोग साइलेंट बैठिए, बहुत मजा आएगा डायलॉग सुनने का। क्या कहा? मेरे खून से गली कूचों को सुर्ख कर दिया जाएगा। अरे इश्क का खून क्या किसी साहूकार के पान की पिचकारी है? अरे क्या तुम्हारी जिंदगी जिंदगी, हमारी जिंदगी बीमारी है? तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी है। तुम्हारा नाम नाम, हमारा नाम गाली है। तुम करो सुन तो वो गद्दारी है, और हम करें फरियाद तो वो गद्दारी है। हम नहीं तीर और तलवार से मरने वाले, कत्ल करना है तो बस एक तिरछी नजर काफी है। थैंक यू, थैंक यू। जो स्टोर्स है उस पर कलेक्शन बहुत अच्छा है, वैराइटिकल स्टोर्स है, और बहुत मज़ेदार एक्सपो है, माहौल बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, और शहबाज के साथ तो ऑफ कोर्स अलग ही मामला होता, तो बहुत अच्छा रहा। और करिश्मा जी स्पेशली, जो एज़ यू नो कि मैं गोविंदा का फ़ैन हूँ, तो बहुत सारी फिल्म्स में गोविंदा जी के साथ करिश्मा जी ने फिल्म्स किए हैं, और आज उनको लाइव देखने का मौका मिला, तो आज भी वो वैसे ही एनर्जी के साथ जो स्टेज पे थी, और उन्हें अपना प्यार का इजहार किया हैदराबाद को लेकर। उनकी फ़र्स्ट फिल्म भी यहीं से थी, प्रेम कैदी जो उन्होंने किया था, तो वो सारे वो कुछ थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहे थे। तो बहुत अच्छा रहा, मज़ेदार रहा, ज़बरदस्त।